लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी समाचार मिले हैं कि आर्थर रोड जेल से एक खूंखार कैदी जिसका नाम राकेश राय है जेल तोड़कर फरार हो गया है। उसके पास इंस्पेक्टर का चुराया हुआ रिवॉल्वर भी है। किसी भी व्यक्ति को उस शख्स के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। धन्यवाद। सूचना समाप्त। इससे पहले तुम्हारे मुंह से निकली हुई चीख तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चीख बन जाए, इस चीख को अपने सीने में दफन कर लो। मुझे पता है, अभी तुम मुझे टीवी पर देख चुकी हो। जरा भी होशियारी की गोली आर पार हो जाएगी। मैं कुछ देर यहां रहूंगा, फिर चला जाऊंगा, ठीक है? अब मेरे सवालों का जवाब तुम्हें इस तरह देना है कि सिर्फ मैं सुन सकूं। दीवारों और दरवाजों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। घर में कौन कौन है? इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। इतने बड़े घर में कोई नहीं? मुझसे झूठ बोल रही हो? रिवॉल्वर की नोक पर बहुत कम लोग झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारे पति कहाँ? वो एक जरूरी काम से मद्रास गए हैं, 3-4 दिन बाद लौटेंगे। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, समझी? पुलिस आ गई है,
उन्हें बाहर से ही डाल देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो आई विल शूट यू, ओके? मैं यहां छुपता हूं। ये क्या? पहले तुम छुप जाओ, मैं बाद में बताती हूं। मिसेस केशव नारंग जी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। बैठिए। थैंक यू। कहिए। अब क्या बात है? आई एम सॉरी मिसेस नारंग, एक बुरी खबर है। आपके पति जिस प्लेन में मद्रास जा रहे थे वो क्रैश होकर मद्रास के समंदर में डूब गया। एक ही पैसेंजर नहीं बचा। मिसेस नारंग, हिम्मत से काम लीजिए प्लीज। मैंने ये खबर आपको फोन पर देने की बहुत कोशिश की, मगर आपका फोन लगाता रहेंगे जाता रहा। यहाँ आकर पता चला कि फोन पर रिसीवर ठीक से रखा नहीं। लगता है रात को कोई आपको डिस्टर्ब ना करे इसलिए आप रिसीवर नीचे रख दें। एनीवे मैं चलता हूँ। मिसेस नारंग, आप इस समय घर में अकेली, अपना ख्याल रखिएगा, ओके? ये सब क्या है? ये लाश किसकी है? ये लाश मेरे पति की है। तुम्हारे पति की? हाँ, खून मैंने किया है। तुमने? मैंने। लेकिन इंस्पेक्टर, तो वो प्लेन क्रैश एक लंबी कहानी है। लगता है मैं गलत जगह आ गया। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम कहाँ हो ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और ये खून मैंने किया है ये सिर्फ तुम जानते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। देखो, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे पति की मौत मद्रास जाने वाली प्लेन क्रैश में हुई है। तो अगर हम इस लाश को अभी ठिकाने लगा दें तो ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसमें अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम कुछ दिन यहाँ रुक सकते हो। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। क्या सोच रहे हो? हमारे पास वक्त नहीं है। मैं कपड़े बदलना चाहूंगा। ऊपर मेरे बेडरूम में अलमारी है, उसमें उनके कपड़े हैं, जाकर बदल लो। We'll be right back.
गाड़ी कहाँ है? बाहर है। तुम्हें चलाने आती है? ठीक है चलो। एक कैदी फरार हुआ है, उसी के लिए ये नाकाबंदी है। मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी पड़ेगी। डीकी की चाबी। हम लोग को देख के वो गाड़ी पीछे से वापस जा रही है। मैडम आप जाइए, चलो सब लोग बैठो जीप में, उस गाड़ी का पीछा करो।
क्यों किया? आशा तुम चुप क्यों हो? औरत मर जाती है पर पति पर कभी हाथ नहीं उठाती, वो कौन सी वजह थी जो तुमने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पति का खून कर दिया? शादी से पहले मैं अविनाश से प्यार करती थी। मैं तो चाहता हूं कि सारी दुनिया ही पीछे रह जाए और हम इसी तरह एक दूसरे में खोकर प्यार का सफर तय करते रहें। सफर तय करने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, एक और चीज भी बहुत जरूरी है। नौकरी। नौकरी? धत तेरी, इतने बढ़िया रोमांटिक मौसम में तुम्हें ये नौकरी की याद कहां से आ गई? मिस्टर, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि कल नौकरी के सिलसिले में मुझे एक इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए कल हम नहीं मिल सकेंगे। अरे हाँ, याद आया, कल तो मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी है क्योंकि मुझे एक शूटिंग के सिलसिले में फोटो खींचने जाना है। तुम देखना आशा, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा। मेरे पास खूब सारी दौलत होगी, बंगला होगा, कार होगी और चलिए अविनाश द ग्रेट, अपनी साइकिल का पंखे बनवाइए और ये लीजिए अपनी छतरी। इसे तुम ही ले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बारिश की बूंदें तुम्हारे बदन को छूएं, क्योंकि तुमसे प्यार करने का अधिकार सिर्फ मुझे है और हमेशा रहेगा। बाय बाय। चलो बेटा पंचर बनाए। I'm sorry. दरअसल मेरी गाड़ी के वाइपर काम नहीं कर रहे, मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, मैं पास में रहती हूँ। आपकी छतरी तो टूट गई। एक मिनट रुकी। ये लीजिए, आप ये ले जाइए, इसे फेंक दीजिए, ये तो अब रिपेयर भी नहीं हो सकती। देखिए आप मेरी छतरी ले जाइए, बारिश में भीगकर तो आपको जुकाम भी हो जाएगा। हम गरीबों को मौसम की सख्तियां झेलना आता है। हवाएं तुझसे लिपट कर नशीली हो रही है, घटाएं प्यास अपनी बुझाने तुझ पर बरस रही, लिबास तुमसे लिपट कर कहीं गुम हो गए। तुम हमारे हो ना हो पर हम तुम्हारे हो गए। दीनानाथ जी की बेटी हूँ, मेरा नाम आशा है, ये मेरे सर्टिफिकेट है। दीनानाथ जी आज ऑफिस नहीं आए? वो घर पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो आपकी भी ठीक नहीं है। जी हाँ। मैडम। यस सर। मैं मिस आशा को अपना पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा हूँ, आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा कर ले आइए और दो चाय भिजवा दीजिए। यस सर। सर आपने इंटरव्यू लिए बिना ही अपॉइंटमेंट लेटर? इंटरव्यू तो आपकी छींकों ने दे दिया।
I'm sorry, sir. कल मैं बहुत ज्यादा भीग गई थी. कल अगर मेरी छतरी ले ली होती तो ये हाल नहीं होता. आप ठीक कह रहे हैं सर. आशा, आइंदा अगर मैं कोई मशवरा दूंगा तो कबूल करोगी? कल तक आप अजनबी थे, अब मेरे बॉस हैं. आपकी बात मानना मेरी ड्यूटी है सर. सर चाय लीजिए. लो. थैंक यू. अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए. सॉरी सर, आप रहने दीजिए, मैं साफ कर लूंगी. जरा संभल कर पिया कीजिए, गर्म चाय से जिस्म पर दाग भी पड़ सकते हैं. आइंदा ख्याल रखूंगी सर. लीजिए, ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर. आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं. थैंक यू सर. और ये रही आपकी फाइल. बाय. कल अजनबी, आज बॉस, और कल. तुम्हारा जवाब कि तुम लाजवाब हो, गलियों को जो शर्मा दे तुम वो शवाब हो. मेरी नजर तो बस ये देख रही है, चखी नहीं गई जो अब तक तुम वो शराब हो. मालिक, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है दीनानाथ, जब से आशा ने ऑफिस ज्वाइन किया है तुम कुछ ज्यादा ही छुट्टियां करने लगे हो. तबीयत बहुत खराब रहती है क्या? साहब, मकान पुराना हो जाए तो छत तो टपकने ही लगती, और फिर उस पर जवान बेटी का बोझ हो तो उसके टूटने का डर भी लगा ही रहता है. कोई लड़का तलाश किया आशा के लिए? सोचा था पिटिया को नौकरी मिल गई है तो कोई अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा. मगर मगर क्या, आंखों का जाला ऑपरेशन के बिना कटता नहीं और बिटिया का डोला धन के बिना उठता नहीं. बड़ी बेशर्मी से कह रहा हूं मालिक, अब तो वो खुद ही किसी से लव मैरिज कर ले तो अच्छा है. कहां से लाऊंगा मैं इतना दहेज? अगर तुम्हें बिना दहेज के जवान, खूबसूरत, लंबा चौड़ा, करोड़पति दामाद मिल जाए तो पगड़ी बनाकर सर पर रखूंगा उसे, जूती बनकर पैर चूमूंगा उसके. लेकिन वो लड़का है कौन मालिक? लड़का तुम्हारे सामने है. अगर तुम आशा की शादी मुझसे करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा. आपने मेरी चिंता दूर. नहीं 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 दीनानाथ जी, ये अधिकार तो मेरा है. नहीं मालिक. ससुर हैं आप, जाइए तैयारी कीजिए, शादी बड़े धूमधाम से होगी. नहीं, मैं मिस्टर केशव से शादी नहीं करूंगी. क्या बकवास करती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गई. अगर आपको मिस्टर केशव सिर्फ इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहे, तो एक लड़का और भी है जो मुझे इस घर से सिर्फ दो कपड़ों में दुल्हन बनाकर ले जा सकता है. कौन है वो? उसका नाम अविनाश है. हम एक साथ जीने मरने का फैसला कर चुके हैं. बेटी, प्यार और शादी दो अलग अलग बातें. जो सुख तुम्हें केशव दे सकता है वो अविनाश नहीं दे सकता. मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी दुखी नहीं रख सकता. ठीक है बेटी, अगर तू इसी में खुश है तो मैं आज ही जाकर मालिक को इनकार कर देता हूँ. ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे ना. मैं कोई और काम करके जिंदगी गुजार लूंगा. मैं तुझे दुखी नहीं करूंगा बेटी, मैं आज ही अविनाश से मिलना चाहता हूँ. नहीं आशा, मैं अभी शादी करने की सोच भी नहीं सकता. अविनाश मेरी शादी की फिक्र में, मेरे बाबूजी उम्र से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं. मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ,
अपनी जान भी दे सकता हूं, मगर मैं शादी नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूं आशा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? तुम मेरी मजबूरी जानना चाहती हो ना, तो सुनो। मेरी बहन एक लड़के से प्यार करती है और वो शादी से पहले ही मां बनने वाली है। लड़के के माँ बाप अपने बेटे का पाप छुपाने के लिए दहेज में 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और मुझे किसी भी हालत में 5 लाख रुपयों का बंदोबस्त करना है, क्योंकि इस पाप की भागीदार मेरी बहन भी है। अब तुम ही बताओ आशा, ऐसी हालत में मैं शादी कैसे कर सकता हूं? अगर मैं केशव से शादी नहीं करती तो वो बाबूजी को नौकरी से निकाल देगा। तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आशा, हम सिर्फ अपने लिए जन्म नहीं लेते, हम पर हमारे अपनों का भी अधिकार होता है। तुम अपने बाबूजी के बुढ़ापे का सहारा बनकर जियो और मैं अपने भाई होने का फर्ज निभाता हूं। इसका मतलब है जिंदगी की हकीकत पर हमें अपना प्यार कुर्बान करना पड़ेगा। आशा, जिंदगी के किसी भी नाजुक मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना, लेकिन लेकिन भगवान के लिए मुझे कभी गलत मत समझना आशा। और आज मेरी तलाश तुम पर आ गई। तुम इतनी खूबसूरत हो, गुलाब तुम्हारे होठों को ललचाई न दे। शबनम की बूंद को सीप का मोती ना बनाइए। मैं जानती हूं मैं क्या हूं। ये तो आपका एहसान है मेरे माता पिता पर, जो आपने उनका बोझ हल्का कर दिया। मैं तो उनका एहसान मानता हूं जो उन्होंने चांद का टुकड़ा मेरे हवाले कर दिया। आपके ऊंचे ख्यालात को सुनकर मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूं वो कह दूं। तुम जो कहना चाहती हो कह दो, मैं सारी रात तुम्हें सुन सकता हूं, सारी रात तुम्हें देख सकता हूं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी बात राज बनकर छुपी रहे और राज खुलने पर आपको इस चांद के टुकड़े पर दाग नजर आए। तुम्हें जो कहना है बेधड़क कह दो, मैं बहुत बड़े दिल का मालिक हूं। बोलो, घबराओ मत। मैं शादी से पहले एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन आपके साथ साथ फेरे लेते ही मैंने उसे अपनी सोच से बहुत दूर निकाल दिया। अब मेरी सोच, मेरे सपने, मेरी सांसों के मालिक आप हैं और मरते दम तक सिर्फ आप ही रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं? ओ, कल हनीमून पर जाना है, मैं फोन करके आता हूँ। हेलो आशा। आपकी तारीफ
मेरा नाम अविनाश है, मैं और आशा कॉलेज में अच्छे दोस्त हैं। मीट माय हस्बैंड मिस्टर केशव नारंग। हेलो। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए आप लोगों का एक फोटो खींचता हूँ। एक मिनट। हाँ ऐसे। अरे भाई हस्बैंड वाइफ वाला फोटोग्राफ है, कुछ बढ़िया सा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ये फोटो मैं आपके घर पहुंचवा दूंगा। आइए लंच साथ करते हैं। नो थैंक्स। दरअसल मैं यहाँ एक शूटिंग के सिलसिले में फोटो खींचने आया था और जल्दी मुझे लोकेशन पर पहुंचना है। बाय द वे आप लोग ठहरे कहाँ हुए? एमएससी होटल। अरे मैं भी वहीं ठहरा हूँ, रूम नंबर 404 में। अगर वक्त मिला तो डिनर एक साथ करते हैं। ओके नाइस मीटिंग। बाय आशा। बाय। मैं ड्रेस चेंज करके आती जी। ये वही अविनाश है जिससे तुम प्यार करती थी? प्यार करती थी, अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं। क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, जरा एक पैक बनाओ। अविनाश। हाय आशा। गोली ने अपना काम कर दिया है, सुबह तक होश नहीं आएगा। गुड, अब तुम रूम नंबर 404 में आ जाओ। ओके ओके। अविनाश। आशा। तुम्हें पाने की तमन्ना आज भी मेरे दिल में जिंदा है। क्यों नहीं होगी, तुम्हें पति जैसा मिला है। जब उसे मैंने पहली बार तुम्हारे साथ देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद पर ग्रहण लग गया हो। छोड़ो उसे। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ, क्या नहीं हो सकता? कुछ कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम सामान बांधो, हम अभी वापस जाएंगे। आ जाओ बसंती। हटो, छोड़ दो।
अरे ये अचानक धोखा का हुई गवर? कहीं मेरे पति को पता चल गया तो? अरे पगली, तू औरत है कौन, तिजोरी नहीं कि ओकरा में से कितना माल चोरी हुए गवा पता चल जाए। मुझे डर लग रहा है, कहीं मालिक आ गए तो? मालिक? अरे वो तो मालकन के साथ, का कहते हैं हिंदी में, हाँ जान पर सहज चाटने गए हैं, 10 दिन का कह के गए हैं, 30 दिन से पहले भला आएंगे। चला हम लोग अपन हनीमून मनावल जाए। आपका भाई मालिक? मालिक? अरे मालिक के साथ भी तोरा चक्कर है का? अरे मालिक कर्मिया, गाँव के अज्ञात तूने इसे अपने जाल में फंसा लिया, बोल तुझे किसी दूसरे की बीवी को पतिता बनाने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्यों नहीं सोचा कि तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? तेरी बीवी भी किसी और के साथ भाग सकती है, तब तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? रुक जाइए मालिक, ये खुद ही मेरे पास आई थी। नमस्ते। ये कैसे आना हुआ? वो आशा को देखे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए। शादी से पहले वो बरसों तुम लोगों के साथ थी, तब देख देख कर दिल नहीं भरा था क्या? औलाद के प्यार से कभी किसी का दिल भरा है क्या? होली आ रही है, अगर आप कहे तो कुछ दिनों के लिए आशा को अपने साथ ले जाए। कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले जाओ और जी भर कर त्योहार मनाओ। क्या बात है, आशा से कोई भूल हो गई है क्या? भूल आशा से नहीं, मुझसे हुई है। जी मैं समझा नहीं। समझने के लिए इतना काफी है कि आशा यहाँ से नहीं जाएगी, और अगर गई तो वापस नहीं आएगी। माँ, बाबूजी, मुझे यहाँ से ले चलिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। क्या बात है बेटी? इसने जरूर कोई गलती की होगी। मैंने कोई गलती नहीं की, ये पता नहीं क्यों मुझसे। तामाजी पागल नहीं है जो यूं ही नाराज हो जाए? क्या आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं? बात भरोसे की नहीं, तुम्हारे पति की मर्जी की है। माँ, बाबूजी भी मुझसे कतराने लगे थे कि कहीं मैं फिर से उन पर बोझ ना बन जाऊं, इसीलिए उन्होंने भी मुझे ही दोषी ठहराया। कोई सहारा ना पाकर कुछ दिनों के बाद मैंने अविनाश से मिलने का फैसला किया। आशा तो नहीं जानती कि औरत के मामले में मर्द कितना तंगदिल होता है, अंगारों पर लौटने लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि शादी के पहले या शादी के बाद उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था। अगर तुम उस दिन चुप रहती तो कुछ भी नहीं होता। कौन जानता है कि चुप रहने का अंजाम क्या होता और चुप न रहने की सजा कितनी भयानक मिलेगी। मेरी जिंदगी तो नट बनकर रह गई है, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर तुम कहो तो मैं केशव को समझाने की कोशिश करूं। सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनकर वो शक की चिंगारी में लिपटा हुआ बुरी तरह से लग रहा है, तुम्हें सामने देखकर तो वो ज्वालामुखी के साथ फट पड़ेगा। फिर तो तुम्हें अपनी गलती खुद सुलझानी पड़ेगी आशा। देखो, शक की जिस आग में वो जल रहा है उसे बुझाने के लिए तुम प्यार की बरसात मचाओ, इतना प्यार दो उसे कि उसके दिमाग से शक का जहर ही निकल जाए, वो भूल जाए कि उसके दामन पर लगे हुए फूल को कभी किसी ने प्यार भरी नजरों से देखा भी। मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है अविनाश। शेर के पिंजरे में फंसने के बाद सिर्फ दो रास्ते रह जाते, या तो मर जाओ या फिर शेर से दोस्ती करो। दूसरा काम मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश करने वालों के लिए नामुमकिन नहीं।
हुए भाई साहब? 75। आप क्या बात है, आज बहुत जल्दी वापस आ गए। आज अगर जल्दी वापस नहीं आता तो शायद बहुत देर हो जाती। आप थके हारे होंगे, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। यार से मिलने और मेरे सामने सती सावित्री का नाटक करती है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। बताता हूँ चल। और दोस्तों के पास विश्वास कीजिए, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। सब जानता हूँ। अंजाम आज से तू घर के बाहर नहीं जाएगी, समझी? आखिर आप चाहते क्या है? उन्होंने मुझे कैद कर दिया। पिंजरे में बंद पंछी की तरह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस चुपचाप उनका हर जुम्म सहती जा रही थी। मैं जब भी शराब पीता हूँ और जो कुछ बुलाने की कोशिश करता हूँ वो और याद आता है। अच्छा तुम मेरी पत्नी हो ना, मुझसे प्यार करती हो? ना ना ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो आओ, हाथ दो। आज हम सुहागरात मनाएंगे नए ढंग से। सबसे पहले तुम एक एक करके अपने कपड़े उतारो। अरे मुझसे शर्म कैसी, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे जिस्म के एक एक अंग पर मेरा अधिकार है। उतारो कपड़े। मेरे सामने कपड़े नहीं उतारोगी तो किसके सामने उतारोगी? उतारो। ये लो,
इसके पीने से सब दुख दूर हो जाते हैं। लो पियो। अरे तो कम से कम इससे स्नान तो कर लो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, सिर्फ तड़पाऊंगा। मैं तड़प कर रह गई। इसी तरह अपने गुस्से की आग में वो मुझे जलाता रहा, जुल्म के ऐसे नए नए तरीके मुझ पे आजमाता रहा जो मैं तुमसे कह भी नहीं सकती। आज सुबह जब मुझे पता चला कि बिजनेस के सिलसिले में वो मद्रास जा रहा है, तो मैंने एक फैसला किया। मुझे तलाक चाहिए। इन सारे दुखों से छुटकारा पाने का इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अच्छी तरह से सोच लो आशा, जल्दबाजी में किए गए फैसले जिंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। बाद में मर जाना भी पड़े तो मुझे मंजूर है, मगर उस राक्षस के हाथों रोजाना जख्मी होकर मुझे जीना मंजूर नहीं, जो हंसते हुए धीरे धीरे खून पीता रहता है। देखो आशा, मैं तो तुम्हें... अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं आशा, ऐसा मत करना। तुम भले ही मेरी होकर ना रहो, जा रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आज वकील से बात करता हूँ। आज तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया है अविनाश। धोखा, मेरे साथ धोखा। मुझे मालूम था कि मेरे जाते ही तो अपने यार मेरी पत्नी के साथ। हेलो, देखिए इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही चाकू मेरे हाथ में आया, उसके किए हुए सारे जुल्म मेरी आंखों के सामने आ गए। और जब मुझे तलाश करता हुआ वो मेरे पास आया, तो मैंने पूरी ताकत से चाकू उसके गले में घोंप दिया। केशव के मरने के बाद अगर अविनाश पुलिस को लेकर वापस आ जाता तो मैं कह देती कि खून मैंने किया है, मगर वो वापस नहीं लौटा, जबकि पुलिस स्टेशन यहां से थोड़ी ही दूर है। 15-20 मिनट इंतजार किया, मगर जब वो नहीं आया तो मैंने केशव की लाश छुपा ली और फर्श पर फैला हुआ खून साफ कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, केशव का खून करके कानून से जो तुम्हें सजा मिलती उससे बड़ी सजा तुम्हें केशव मरने से पहले दे चुका था। कितनी अजीब बात है, तुम्हें जुर्म करने से पहले सजा मिली और मुझे जुर्म न करने की। तुम जेल क्यों गए? पहले तुम पर जो गुजरी है उसका बोझ अपने दिल से हटाने की कोशिश करो, फिर मेरी कहानी सुन लेना। सुबह होने में देर है,
तुम आराम कर लो। न चाहते हुए भी लोगों के सामने सुबह तुम्हें अपने पति का शोक मनाना पड़ेगा। केशव वहां तो कोई भी नहीं है। अच्छा केशव को अपने दिमाग से निकालो वरना तुम पागल हो जाओगी। संभालो अपने आप को। ओके अरे मेरी चांदी उठो ना। अरे उठो ना। क्या बात है क्यों परेशान कर रहे हो? देखो आज बाजू के बंगले से फिर चीखने की आवाज आ रही है। वहाँ टीवी पे जी हॉरर शो चल रहा होगा। मुझे सोने दो। नहीं। लगता है केशव नारंग आज फिर अपनी बीवी को पीट रहा है। तुम कहो तो मैं पुलिस को फोन कर दूं। तुम्हें कोई और काम है कि नहीं? ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। मुश्किल से तो सुने सपने में आया था। सारे सपने का सत्यानाश कर दिया। अब तो जाओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगी। हाँ हाँ सुनील सेठी तुमको और क्या सिखाएगा। अब तो जाओ। जताऊं। घर आया। ए पेपर वाले पेपर इधर देके जा। जी साहब। लो चाय लो। अब समझ में आया कि रात भर चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही। क्यों? बाजू वाला केशव नारंग है ना। हाँ? वो प्लेन एक्सीडेंट में मारा गया। क्या? हाँ मैं जरा उनके घर जाकर आता हूँ। ये चाय तो पी लो। अरे ये चाय तुम पी लो मैं आकर पीऊंगा। ये प्लेन ये पेपर रखो। कल रात जाने में एक क्रैश हो गई। सर आपकी ड्रेसिंग करनी। हाँ? आपकी ड्रेसिंग करनी। जी एक बहुत ही अर्जेंट फोन करना है। उसके लिए नीचे जाना होगा।
कितने पैसे हुए? 52। मिसेज नारंग, आप? मैं केशव का दोस्त अशोक हूं। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि केशव इस दुनिया में नहीं रहा। न्यूज मिलते ही पहला प्लेन पकड़कर आ रहा हूं। आप बैठिए, मैं देखता। हेलो हेलो, क्या मैं आशा से बात कर सकता हूँ? उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। क्या डेथ हो गई? इसलिए इस वक्त वो फोन पे नहीं आ सकती। अगर वो तो देखिए, आप प्लीज उनसे मेरा नाम दीजिए तो वो जरूर फोन पर आ जाएंगी। मेरा नाम अविनाश है। तुम कहाँ से बोल रहे हो? देखिए, मैं समय महात्मा गांधी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 16 से बोल रहा हूँ। मगर आप कौन बोल रहे हैं और आशा कैसी है? मेरा नाम अशोक है। तुम्हारे सवालों का जवाब देने में हॉस्पिटल आ रहा हूं, और जब तक मैं वहां नहीं आ जाता तुम किसी से कुछ मत कहना। अब फोन रखो, रखो फोन। हाँ हाँ, न्यूज सही है, मैं आज ही दिल्ली से आया हूं। बाहर से अंदर दिल लगाने जाए। मिस्टर अविनाश, ये सब आपसे मिलने आए हैं। आप? अविनाश, मेरा नाम अशोक है। फोन पर तुम्हारी मुझसे ही बात हुई थी। कल रात तुम्हारे जाने के बाद जब मैं केशव के घर पहुंचा तो आशा केशव का खून कर चुकी थी। आशा ने केशव का खून कर दिया? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मगर अब आशा का क्या होगा? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हमने रात को लाश को ले जाकर जंगल में दफन कर दिया है, और पुलिस ये समझती है कि केशव प्लेन क्रैश में मारा गया है। भगवान ने आपको भी कुछ सही वक्त भेज दिया, वरना ना जाने आशा। तुम कुछ दिनों तक आशा से मिलने की कोशिश मत करना। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कल रात जब केशव ने मुझे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया तो मैं पुलिस को बुलाने के लिए भाग रहा था कि अचानक पुलिस की ही जीप से टकरा कर गिर गया और बेहोश हो गया। आज सुबह ही होश आया है। ठीक है, मैं चलता हूँ जी। मगर याद रहे, रात की बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, अब कैसी है तबीयत आपकी? जी, अब तो कुछ ठीक है पहले से। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आपका नाम? एड्रेस? 394 आदर्श नगर, न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, बॉम्बे। कल रात कहाँ से आ रहे थे? हाँ जी, कल रात मैं अपने एक दोस्त से मिलकर वापस अपने घर लौट रहा था कि अचानक कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उनसे बचने के लिए भागा और हाथी के जीप से टकरा गया। कल रात हम एक कैदी का पीछा कर रहे थे के बीच में तुम आ गए और वो हमारे हाथों से निकल गया। खैर, तुम साइन करो। जी। देखो, यहां से डिस्चार्ज होते पुलिस स्टेशन में आकर मुझसे जरूर मिलना। जी अच्छा। लगता है मैंने कहीं आपको देखा है। मेरा नाम अशोक है, मैं आज ही दिल्ली से आया हूं। अविनाश, भूलना। जरूर। ठीक है, मैं भी चलता हूं।
आशा तुम आशा माँ और बाबूजी कहाँ गए हैं? वो लोग मद्रास गए हैं। मद्रास? तुम्हारे जाने के बाद इंस्पेक्टर कदम आया था, मुझे लाश की शनाख्त के लिए मद्रास जाने को कह रहा था। मैंने उसे ये कहकर कि मैं लाश नहीं देख पाऊंगी माँ और बाबूजी को भेज दिया। मगर तुम कहाँ चले गए? अविनाश का फोन आया था, वो हॉस्पिटल से बोल रहा था। उसने बताया यहाँ से जाने के बाद वो पुलिस की जीप से टकराकर बेहोश हो गया। सुबह हॉस्पिटल में होश में आते ही उसने तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। मैंने सोचा इससे पहले वो पुलिस को यह ना बता दे कि कल रात को केशव यहीं पर था और तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ था, मैंने फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर उसको रात की सारी कहानी बता दी। अब खतरे की कोई बात नहीं है। अविनाश यहाँ क्यों नहीं आया? देखो आशा, ये बात मैंने उसे भी समझाई थी और तुम्हें भी समझा रहा हूँ। फिलहाल तुम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। हाँ, और देखो मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दो। हेलो, तुम्हारे पति का देहांत हो गया इसका मुझे अफसोस है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे पति की लाश घने जंगल में कैसे पहुंची? उसे तो मद्रास के समंदर में होना चाहिए था। खैर ये मेरे लिए खुशी की बात है और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि पति के मरते ही तुम करोड़पति बन गई हो। मैं जानता हूँ कि ये बात तुम पुलिस को नहीं बताओगी, अगर बताओगी तो तुम्हें फांसी या उम्र कैद की सजा हो जाएगी। और मैं भी पुलिस को नहीं बताऊंगा, मेरे खुले मुंह को बंद रखने की कीमत ज्यादा नहीं 5 लाख रुपए है, सिर्फ 5 लाख। पैसे कब और कहाँ पहुंचे इसके लिए मैं फिर फोन करूंगा। राकेश वो फोन पर। मैंने सब कुछ सुन लिया। अब क्या करें? मुसीबत से बचने के लिए तुम्हें उसकी ये बात माननी पड़ेगी। सोचा था कि शब्द से छुटकारा पाते ही परेशानियों का दौर खत्म हो जाएगा, मगर ये परेशानियां भी कैसी हैं, साए की तरह मेरा पीछा कर रही हैं। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने हम दोनों को लाश दफन करते हुए देखा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कोई तो है जिसने हमें लाश को दफन करते हुए देखा है। खैर जो भी हो, उसे 5 लाख रुपए देने में ही समझदारी है। 5 लाख? अब समझ में आया कि मांगने वाला 5 लाख क्यों मांग रहा है। 20-25 भी तो मांग सकता था। मुझे यकीन है कि 5 लाख मांगने वाला सिर्फ वही हो सकता है। कौन हो सकता है? अविनाश। अविनाश? हाँ, उसे 5 लाख की जरूरत है। नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। जंगल में लाश दफन की गई है, इसका पता हम दोनों के सिवाय अविनाश को है। तुम्ही ने तो उसको बताया था और अब वो इस बात का फायदा उठा रहा है। लेकिन फोन पर तो उसकी आवाज नहीं लग रही थी। टेलीफोन पर रुमाल रखकर आवाज बदली भी जा सकती है, जब नियत ही बदल गई तो आवाज बदलने में कितनी देर लगती है। तुम हॉस्पिटल फोन लगाओ, अभी पता चल जाएगा। ठीक है। हेलो, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जरा वार्ड नंबर 16 से मिस्टर अविनाश को बुला देंगे? व्हाट? आई सी, वो तो आज 2 बजे डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब हो ना हो ये काम उसी का है। उसे अपनी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है और आज अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि केशव का खून मैंने नहीं अविनाश ने किया। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ये सच है, केशव का खून अविनाश ने किया है। अगर खून अविनाश ने किया था तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? प्यार के अंधे कभी कभी लाठी पकड़ने के बजाय
सांप को पकड़ लेते हैं। कल रात जब वो पुलिस को बुलाने गया, I will call police. Get lost. तुम्हारी भी मौत मेरे ही हाथ में लिखी। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अविनाश वापस आ गया है। हे भगवान, क्या होगा? कहीं केशव कुछ कर ना बैठे। अब मैं क्या करूं? जाने वाली हवाई जहाज A320 शाम 6:30 पर मद्रास के बीच समंदर में विस्फोट होकर गिर गई। किसी भी यात्री के बचने की
कोई संभावना नहीं। यात्रियों के नाम इस प्रकार है: श्री रामचंद्र गोस्वामी, श्रीमती सीता गोस्वामी, श्री मुकेश ठाकुर, श्री केशव नारंग, श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री श्याम सुरेंद्र, श्रीमती राधा देवी, कुमारी सुनंदा, कंचन तिवारी, श्री प्रणय कांत, श्री रजनी कांत, श्री राजेश कुमार। कैदी जिसका नाम राकेश राय है जेल तोड़कर फरार हो गया है। उसके पास इंस्पेक्टर का चुराया हुआ रिवॉल्वर भी है। किसी भी व्यक्ति को उस शख्स के बारे में कोई भी जानकारी मिले और इसके बाद तुम मेरी कहानी में शामिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अविनाश खून करने के बाद पुलिस को बुलाने नहीं गया था बल्कि भाग रहा था और अचानक पुलिस की जीप से टकराकर बेहोश हो गया और मेरी जुबानी सारी कहानी सुनने के बाद उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया और हॉस्पिटल से निकलते ही तुम्हें फोन किया। फोन उठाओ। डरने की कोई बात नहीं, उठाओ फोन। बेटी, मैं मद्रास से बोल रहा हूँ। अभी तक तो बॉडी नहीं मिली है, तलाश जारी है। जैसे ही केशव की बॉडी मिलेगी मैं फौरन आ जाऊंगा। मैं होटल सवेरा के रूम नंबर 16 से बोल रहा हूँ। कोई जरूरी बात हो तो यहाँ फोन कर लेना। तुम सुन रही हो ना बेटी? जी। अपना ख्याल रखना बेटी। रात बहुत हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर उसका फोन आए तो मुझे जगा देना। निगरानी के लिए अविनाश ने किसी को रखा है। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। तुम यही ठहरो। We'll be right back.
कौन था? पता नहीं, भाग गया। शायद उसे पता लग गया कि हमने उसे देख लिया है। हेलो मिसेस नारंग, आज दोपहर 2 बजे 5 लाख रुपए बैग में डालकर रूबी टॉवर लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स 14 माले पर पहुंचकर लिफ्ट नंबर 1 में बैग छोड़कर लिफ्ट नंबर 2 से वापस चली जाना। आशा, ये 5 लाख रुपए बैंक से निकालने पड़ेंगे। अभी 11:30 बजे हैं। तुम रुपए निकाल कर रूबी टावर्स पहुंचो, मैं तुम्हें 2 बजे वहीं मिलूंगा। क्या बात है, बैग वापस ले आई? लिफ्ट के इंटरकॉम पर मैसेज मिला कि बैग वापस ले जाओ, यहाँ पुलिस आ गई है, मैं फिर फोन करूंगा। ठीक किया तुमने, मैंने वहाँ इंस्पेक्टर कदम को देखा था और साथ में अविनाश को भी। अविनाश को? इसका मतलब मेरा शक सही था। हाँ, अब चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए, मैं अविनाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो आशा, तुम पहले मुसीबतों से घिरी हुई हो, किसी नए खतरे को दावत मत दो। अब मेरी जिंदगी में बाकी ही क्या बचा है? मेरा जीना और ना जीना एक ही समान है, लेकिन अविनाश को इसकी सजा मैं जरूर दूंगी।
हेलो सारा, अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए लेकर नेशनल पार्क में महात्मा गांधी के समाधि पर आ जाओ, समझ गई? नीचे रख दो। अब वापस जाओ। मेरी बहन की शादी हो जाएगी। मुझे यकीन है मेरी मदद करके तुम्हें भी बहुत खुशी हुई होगी। और फिर क्यों ना हो, आखिर तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। ऐसा करके तुमने अपने प्यार को नफरत की उस सरहद पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से इंतकाम का सफर शुरू होता है। मैं तो डूबने से बचने के लिए तुमसे सहारा मांग रही थी, तुमने तो खंजर बनकर मेरी मोहब्बत का गला ही काट डाला। तो फिर मैं क्या करता? हाँ, भीख मैं मांगना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे तरीका इस्तेमाल करना। खैर, ये 5 लाख तो क्या, अब तो केशव की सारी दौलत हमारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करके तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, अपनी दुल्हन। अब वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती आशा, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने आज तक बेरंग पानी से रंगीन तस्वीरें बनाने की बेवकूफी की है, मगर अब नहीं करूंगी। अरे तुम तो केशव से भी गिरे हुए हो, वो जो कुछ करता था खुलेआम करता था, तुमने तो मेरी पीठ पर वार किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आशा, क्या हुआ आशा? उसने मुझे मार डाला। आशा, होश में आओ। तुमने जरूर अपनी सोच को सपने में सच होते हुए देखा होगा। जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो सपना देखा है मैंने, लेकिन नहीं, हकीकत में मेरा देखा हुआ सपना आधा पूरा हो चुका है। आज अविनाश मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कल वो मेरी जान भी ले सकता है। जो
जो तुम्हारी जान बचाने के लिए केशव की जान ले सकता है वो तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हो सकता। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये जरूर उस कमीने का फोन होगा। हेलो, आज रात को 10 बजे मटके पुराने किले पर पैसे लेकर आ जाना, याद रखना अकेली आना, ठीक 10 बजे। अब वक्त आ गया है मेहनत का फल मिलने का। कहाँ गया? क्या ढूंढ रही हूँ? तुम्हारा रिवॉल्वर मेरे पास है, मुझे दे दो। रिवॉल्वर रखना और रिवॉल्वर चलाना दो अलग अलग बातें हैं। अभी देर हो रही है, चलो। उसने तुम्हें अकेले बुलाया है इसलिए तुम जाओ, मगर डरना मत, मैं आसपास ही रहूंगा। ओके, नीचे रख दो। अब वापस जा, मुड़कर देखने की कोशिश मत करना।
तुम उस परिंदे की तरह बेवकूफी कर रहे हो जो तूफान से बचने के लिए अपना मुंह रेत में छुपा लेता है। इंस्पेक्टर करवे फ्रॉम क्राइम ब्रांच एंड सब। इंस्पेक्टर कदम, लालच का धुआं तुम्हारी अकल पर इतनी बुरी तरह से छा गया कि तुम अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर बैठे। उस वर्दी का अपमान किया है तुमने जिस पर जनता का विश्वास और कानून की बुनियाद खड़ी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे माथे पर कभी ना मिटने वाली स्याही से गद्दार लिख देता, जिसे पढ़कर तुम्हारे जैसा कोई भी पुलिस वाला बेईमानी नहीं करता। अरसम, हम मराठा जो ईमान को भगवान समझते हैं, तू उनके नाम पर गाली है गाली। तुम ब्लैकमेल क्यों हो रही थी इसका पता तो मुझे चल जाएगा। फिलहाल एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। राकेश, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं छुपे हो, भागने की कोशिश नहीं करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। याद रखो, पुलिस वालों को भागे हुए कैदी से कोई हमदर्दी नहीं होती। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर एक बार तुम्हारे जिस्म से रूह निकल गई तो पछताने के लिए फिर वापस नहीं आएगी। मैं तीन तक गिनूंगा, एक, दो। तुमने मुजरिमों की जुबान खुलवाने के लिए कई बार थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया है, अब मैं तुम पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करूं या तुम शराफत से बताते हो कि मिसेस नारंग को तुम ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? ये उस रात की बात है सर, जिस रात में मिसेस नारंग को मिस्टर नारंग की मौत की खबर देकर बाहर निकला। मुझे पता चला कि वो लाश मिस्टर नारंग की है, तब मैंने अपना फर्ज अदा करने के बजाय मिसेस नारंग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं अपने कीपर बेहद शर्मिंदा हूं सर। लानत है तुम पर, पुलिस की वर्दी पर एक बदनुमा दाग। इंस्पेक्टर जी, जंगल से लाश निकालने का बंदोबस्त करो। यस सर। क्या हुआ? इंस्पेक्टर। यस।
लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वराम, ले चलो। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। यही ना कि इस पेचीदा केस में मैं कैसे शामिल हो गया। जिस रात मद्रास जाने वाला फ्लाइट क्रैश हुआ था उस रात एक औरत पुलिस स्टेशन आई। उसने मुझे बताया कि उस फ्लाइट में मिस्टर नारंग के टिकट पर उसके पति गए हैं। फ्लाइट क्रैश में मिस्टर नारंग के नहीं, उसके पति की मौत हुई। वो चाहती थी कि उसके पति की लाश मिलने में कोई कानूनी रुकावट पैदा ना हो। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह मैं मिस्टर नारंग के घर गया। ये देखकर हैरान हो गया कि वहां तो मिस्टर नारंग की फ्लाइट क्रैश में मौत होने की वजह से शोक मनाया जा रहा है। मैं सोच में पड़ गया कि मिस्टर नारंग तो मद्रास गया नहीं, तो फिर गया कहां। यह देखकर तो मैं और भी हैरान रह गया कि राकेश, जो कि एक जेल से भागा हुआ कैदी है, वो भी वहां मौजूद। मुझे कैसे इंटरेस्टिंग लगा। उस दिन के बाद मैंने नारंग के घर की निगरानी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन राकेश ने मुझे देख लिया। उसके बाद मैंने फोन टैप करना शुरू किया, जिससे मुझे पता चला कि कोई मिसेस नारंग को ब्लैकमेल कर रहा है। सर, ब्लैकमेलर का तो पता चल गया, मगर नारंग का कत्ल किसने किया? चलो नारंग के घर चलते हैं। यस सर। तुम दोनों ऊपर जाओ, तुम लोग उधर देखो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हमारी बेटी ऐसा काम कर सकती है। हमने भी तो अपनी बेटी को उस दिन यहीं जिंदा दफन कर दिया था, जिस दिन वो हमसे कह रही थी मुझे यहाँ से ले चलिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हाँ, इस जैसे कि केशव उसे छोड़ ना दे, हमने उसके एक न सुने। तुम ठीक कहती हो। जब तक माँ बाप बेटियों को बोझ समझकर कंधे से झटकते रहेंगे, तब तक इसी तरह के जानलेवा हादसे होते रहेंगे। रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सब लोगों को बाहर ले आओ। यस सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ते ही मुझे पता चला है कि कातिल कौन है। कातिल मैं हूं। तुम कौन हो? मेरा नाम अविनाश है। नारंग का खून मैंने किया है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। खून मैंने किया है क्योंकि वो एक शक्की और बेरहम इंसान था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता। आप इसकी बातों को यकीन मत कीजिए। ये लो, गुत्थी सुलझते सुलझते फिर एक बार उलझ गए। लाश एक और खून का दावा करने वाले दो। सर, मुझे लगता है ये खून अविनाश ने किया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे हॉस्पिटल में कहा था कि डिस्चार्ज होते ही पुलिस स्टेशन आके मिलना, मगर ये नहीं आया। हाँ तो मिस्टर अविनाश, आप मुझे ये बताइए कि खून आपने किस हथियार से किया? चाकू से। दैट्स राइट, नारंग का खून चाकू से हुआ, मगर तुमने चाकू कहाँ मारा था? पेट में। क्या? पेट में चाकू मारा था? लेकिन केशव की मौत तो गला काटने से हुई थी। इसका मतलब ये खून तुमने भी नहीं किया है।
और मैं आज तक तुम्हें बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सर ले रही थी। तो खून तुमने भी नहीं किया और मैं आज तक तुम्हें बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर लेता रहा। खून तुमने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो फिर कातिल कौन हो सकता है? कातिल वही है जिसने खून भी किया और चुप रहकर पूरा तमाशा भी देखा। नहीं सर, मैं खूनी नहीं। मैंने कब कहा कि तुमने खून? खूनी वही है जिसके उंगलियों के निशान इस चाकू पर। इंस्पेक्टर कीर्ति रावल, इस चाकू पर मिस्टर राकेश के उंगलियों के निशान। मिस्टर राकेश, ये खून तुमने किया? हाँ इंस्पेक्टर, ये खून मैंने किया है। नारंग ने जिंदगी में जितनी दौलत कमाई उससे कई ज्यादा लोगों की नफरत कमाई। हर खूबसूरत औरत का शिकार करना उस वेशी दरिंदे की आदत बन गई थी जिस पर उसका दिल आ जाए। मेरी बीवी मोनिका मशहूर मॉडल थी, वो नारंग के यहां मॉडलिंग करती थी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आज मैं तुम्हारी ऐसी तस्वीर उतारना चाहता हूँ जो हजारों साल पहले उस वक्त ली गई थी जब लोगों ने कपड़े पहनना नहीं सीखा। कैमरा मेरा दिल होगा और तुम धड़कन बनकर मेरी सांसों से टकरा है। मिस्टर नारंग, हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक शादीशुदा और एक शरीफ लड़की हूँ। So what? ये तो और भी अच्छी बात है। जिस तरह पानी पर लिखा फौरन मिट जाता है, उसी तरह अगर कभी कभार मैं तुमसे होकर गुजर जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा बैंक बैलेंस भी पड़ता रहे। मैं मॉडलिंग बैंक बैलेंस के लिए नहीं करती। मेरे पति की इतनी इनकम है कि अगर मैं मॉडलिंग ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तुम उसकी इज्जत रखने के लिए कह रही हो? अगर उसकी इनकम अच्छी होती तो शादी के इतने दिनों बाद भी उसने तुम्हारी गोद क्यों नहीं भरी? सिर्फ इसलिए कि कहीं मां बनकर तुम्हारा ये हुस्न ढल न जाए और उसकी चलती फिरती दुकान को ताला ना लग जाए। अरे तुम क्या जानो, मेरे राकेश की सोच और सूरत दोनों देवताओं जैसी है। तभी तो ये जानने के बाद भी कि मैं मां नहीं बन सकती, उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं। जबकि तू जितना बदसूरत है, तेरी सोच उससे भी कहीं ज्यादा बदसूरत है। मेरी सूरत पर दौलत का नकाब चढ़ा है और दौलत से खूबसूरत तो भगवान का चेहरा भी नहीं होता, फिर तू क्या चीज है? Just a minute, coming, darling.
दुश्मन के निशान अभी तक मेरे चेहरे पर हैं, जिन्हें मैं तेरे आंचल से सांप। बदसूरत हूँ कि सारी दुनिया तो क्या, तेरा पति भी जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा। साहब, मैंने ही फोन पर पुलिस को यह खबर दी थी कि राकेश ने अपनी पत्नी का खून कर दिया, क्योंकि जिस वक्त खून हुआ उस वक्त मैं वहां मौजूद था और मेरी मौजूदगी का कारण यह था कि मोनिका मुझसे प्यार करती थी और राकेश को इस बात का शक हो गया था। मोनिका मुझसे इसलिए प्यार करने लगी थी क्योंकि राकेश मोनिका को अपनी पत्नी नहीं बल्कि पैसा कमाने वाली एक मशीन समझता था। उसकी बेवफाई का एक और कारण था, मोनिका मां बनना चाहती थी लेकिन राकेश जानता था कि मां बनते ही मोनिका का मॉडलिंग कैरियर खत्म हो जाएगा और पैसा कमाने वाली मशीन में जंग लग जाएगा। राकेश की गैरहाजिरी में मैं मोनिका से मिलने लगा। उस दिन मोनिका ने यह कहकर मुझे अपने घर बुलाया कि राकेश 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। हम दोनों बेडरूम में थे, अचानक राकेश वहां पहुंचा। हम दोनों को ऐसी हालत में देखकर यह बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने गोली चला दी। ये मुझे और मोनिका दोनों को मार देना चाहता था। मैं तो बच गया लेकिन बेचारी मोनिका नहीं बच सकी। नारंग की झूठी गवाही ने मुझे मेरी ही पत्नी मोनिका के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दिला दी। मैं 1 साल तक जेल से भागने का इंतजार करता रहा। एक दिन मुझे जेल से भागने का मौका मिला और मैं इंतकाम की आग में जलता हुआ सीधे नारंग के घर पहुंच गया। वापस आ गए, लगता है तुम्हारी भी मौत मेरे ही हाथ में लिखी। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे।
नारंग का खून करने के बाद मुझे पता चला कि उस एक साल में नारंग ने शादी कर ली है। अगर इस बात का पता मुझे पहले चल गया होता तो मैं नारंग का खून कभी नहीं करता, क्योंकि गुनहगार नारंग था और सजा मैंने नारंग के साथ साथ उसकी बेगुनाह पत्नी को भी दे दी। आशा को नारंग की लाश छुपाते देखकर मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने ही कुछ दिनों के लिए आशा और अविनाश को एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया, क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते तो जाहिर हो जाता कि इन दोनों में से नारंग का खून किसी ने नहीं किया है और इनका शक सिर्फ मुझ पर जाता। मैं बाहर जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। मुझे कुछ दिनों के लिए इस घर में छुपकर रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ आसानी से निपट गया था अगर यह आदमी हमें ब्लैकमेल नहीं करता। आपकी पुलिस मुझे कभी पकड़ नहीं सकती। मिस्टर राकेश, हमारी पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चाकू नकली है और इस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं। मुझे पहले से ही तुम पर शक था, क्योंकि मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी और मुझे इस बात का पता चल चुका था कि मिस्टर नारंग की गवाही की वजह से तुम्हें सजा मिली है, और इसलिए मैंने ये तुक्का फेंका जो तीर बनकर सीधा निशाने पर लगा और तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया।